नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, सीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम रमा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। सीमा जहां बचत पर जोर देती थी, वही उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफजूल खर्च करती थी। एक बार सीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब सीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे, तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने सीमा को कहा, बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। सीमा अपनी सास को बेफजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू सीमा को डांट देती थी। इसके बाद सीमा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। सीमा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर सीमा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन सीमा की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने सीमा को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आए। कुछ देर में सीमा अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और सीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन सीमा की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा। जब सीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा, तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर सीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। लेकिन सीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। सीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद सीमा की सास शहर में से अपना इलाज करा कर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर सीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े, मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। सीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए, और जब भी आप मुझे बाहर से पकोड़े लाने को कहती थी, तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिलाती थी। उसने सीमा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए।